देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, दावा किया गया था कि उन सरकारों की स्थिति सिंगल इंजन की सरकारों से बड़ी बेहतर होगी। आइए हम गुजरात का एक बार नजर डालते हैं कि गुजरात की क्या हालत है। वहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, गुजरात मॉडल होता है, कहा जाता है वहां विकास की गंगा बहती है। जाहिर तौर पर कोरोना में भी गुजरात मॉडल को देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं दिनों के लिए कोई मॉडल बनता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए दत्तेश भावसर हैं, संवाददाता हैं झंझवार के, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूरे गुजरात का की क्या हालत है। अभी इस वक्त वह कच्छ में हैं, क्या स्थिति है वहां आपके कच्छ के एकदम से इलाका है, तट का इलाका है, समुद्री तट का, क्या स्थिति? अजय जी, कच्छ की स्थिति की बात करें तो वैसे कच्छ जो है पूरे भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है, तो यहाँ पर सब दूर दूर बिखरा बिखरा है। जैसे दिल्ली में जैसे बहुत ज्यादा भीड़ होती है वैसे नहीं होता, लेकिन कोरोना में कच्छ के हालात भी ऐसे हैं कि यहाँ ना ही सरकार के लिए निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। मेरे कच्छ मेरे जनपद की बात करें तो यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अदानी को दे दिया गया। आपको तो पता है अदानी अभी हमारे राष्ट्रीय मतलब मेन व्यक्ति है यही साहब। तो इस अस्पताल की हालात ये है कि यहाँ पर ना ही उनकी जो भी कोताहियां होती है उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार मतलब नहीं जो है। आपका कच्छ है, कच्छ जिले का जो मेडिकल कॉलेज है, सिविल अस्पताल जिसको मेडिकल कॉलेज बनाना है, वह अडानी जी जी को दे दिया गया है। ये जो मोदी जी के अडानी जी हैं उन्हें। जी 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 अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब दे दी गई थी। ओके और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनको जो अस्पताल देगी दे थी तब उनको 350 बेड से 800 बेड की अस्पताल करनी थी, लेकिन उस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। अगर हुआ होता तब भी शायद कुछ ना कुछ कच्छ के लोगों को या गुजरात के मतलब लोगों को फायदा अडानी को होता। जो अस्पताल, जैसा कहा जाता है कि निजीकरण अगर कर दिया जाए अस्पताल का, तो सुविधाओं में बहुत इजाफा हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इसका बहुत क्लासिक उदाहरण है, इसलिए हमें थोड़ी इस पर बात करनी चाहिए। थोड़ा और डिटेल बताइए हमें कि जो कच्छ का अस्पताल है यह अडानी को, यानी जब मुख्यमंत्री थे वह गुजरात के तब दिए, तो जाहिर तौर पर 8 साल पहले की बात होगी, क्योंकि 7-8 साल तो यही बैठे हुए हो गए हमारे मोदी जी को दिल्ली में रहते हुए। तो 8 साल को में दिया जी 2008 में दिया था, 2008 में दे दिया था, तब तो और जी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। तो ये बात जी बताइएगा मुझे जानकारी के लिए कि जो 350 बेड का बेड था, जिसको 1000 बेड करना था, उस वो हो क्यों नहीं पाया? क्या आर्थिक संकट आ गया पीपीपी मॉडल में हमारे अडानी जी को? हुआ क्या, समस्या क्या आई? मैं ये बता दूं कि पीपीपी मॉडल में अडानी जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि 2001 में कच्छ में आपको पता होगा बहुत बड़ा भूकंप जी आया बिल्कुल। था। उसके बाद प्रधानमंत्री सहायता कोष में से 150 करोड़ पूरा अस्पताल बना है। मतलब ये इसमें पैसे जो भी लगे हैं वो सरकार के ही लगे हैं, अडानी जी का पैसा नहीं लगा है। बात ऐसी है कि उनको दे दी गया, उसके बाद भी कच्छ के लोगों को यह था कि शायद पीपीपी मॉडल से कच्छ के लोगों को फायदा होगा, लेकिन हुआ नहीं। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा अभी भुगत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सरकार का उनके ऊपर कोई हुक्म चल रहा है, वो अपने तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि अडानी बहुत बड़े बड़े रुसुखदार लोग हैं, इसलिए कच्छ के अधिकारी भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जी अच्छा, ये मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो हालात हैं वहां, हालात जब जिस तरह की स्थितियां हैं, बाकी राज्य की क्या हालत है, दूसरे शहरों की क्या स्थितियां? बिल्कुल, अब जैसे मैंने आपको बताया कच्छ में 2 रोज पहले 3 लोगों की मृत्यु बताई गई, लेकिन एक शिफ्ट में 12 लोग की डेड बॉडी का वीडियो भी बाहर आया था। अच्छा, वो वीडियो बनाने वाले जो कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब यही है कि यहाँ पर दादागिरी मॉडल ही चलता है। मैं राजकोट की बात करूं तो राजकोट के हालात यह है कि सिविल अस्पताल के बाहर दो दो तीन तीन घंटे के लिए लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लेने के लिए या भर्ती करने के लिए कोई नहीं है। मोरबी की बात करें तो मोरबी भी मेरे अपने पत्रकार मित्रों से बात की, उनके भी हालात यही है। मोरबी में तो दो दो तीन तीन दिन तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं।
मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो सिविल सर्जन थे उनकी काम की अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको मोरबी ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिए, मोरबी के हालात तो अभी से ही बहुत खराब हैं। राजकोट से भी यही बात हुई। अब जामनगर में भी मैंने अपने पत्रकार मित्रों से बात की, उनके हालात भी यही हैं, क्योंकि अगर वहां पर थोड़ी भी जगह है तो अगल बगल के जिलों से पेशेंट्स वहां भेजे जाते हैं। फलस्वरूप पूरे गुजरात को अगर देखा जाए तो पूरे गुजरात में कहीं पर भी अच्छी स्थिति हो ऐसा सूरत की नहीं लग पहले ही पाता है। बहुत बुरी हालात रहे हैं सूरत के। जी, अजय जी, सूरत की बात करूं तो सूरत में जो सामूहिक श्मशान ग्रह बने हैं उनकी चिमनियां तक पिघल कर टूट चुकी हैं। श्मशान ग्रह भी पिघल कर टूट चुके हैं। 24 घंटे वहां पर दाह संस्कार हो रहा है। यह स्थिति है सूरत की। सूरत में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो हीरा उद्योग है और टेक्सटाइल उद्योग है वह छोटी छोटी जगहों पर बहुत काम करते हैं, तो वहां पर संक्रमण फैलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और वहां पर लोग भी ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सूरत के हालात पहले भी बहुत खराब थे, आज भी बहुत खराब है। वहां मेरे अच्छे एक मित्र हैं, डॉक्टर है, उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अभी तो सूरत के हालात ये है कि हम एक बड़े एटम बम के ऊपर हैं, पता नहीं अच्छा, कब ये रेमेडी एटम बम। सिविर जो दवा है, क्या उसकी कालाबाजारी भी आपके राज्य में शिकायतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मेरे जिले की बात करूं, यहाँ पर 668 रुपए का रेमडेसिविर मिल रहा है, लेकिन दो दो चार चार घंटे लाइन में लगे रहते हैं परिजन, और जिनको 4 लिखा होता है होता है उनको 2 पकड़ा देते हैं, 6 लिखा होता है उनको 3 पकड़ा देते हैं। फलस्वरूप उन लोगों को जो मेडिकल माफिया है उनके पास जाना पड़ता है, और एक जो 668 रुपए का इंजेक्शन है वो 12,000 14,000 15,000 में लेना पड़ रहा है। मतलब मतलब 600 का यही इंजेक्शन समझा जाए 15,000 तक बिक कि रहा है। शायद। जी, अच्छा, सूरत के हाल तो आपको पता ही होगा कि जो भाजपा के गुजरात के अध्यक्ष है सीआर पाटिल, उन्होंने बता ही दिया है कि हमारे पास 5,000 इंजेक्शन पड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। हालांकि आप एक मेटासिन की गोली भी नहीं बेच सकते बिना लाइसेंस के, तो उनके पास 5,000 इंजेक्शन कहाँ से आए वो हमें पता नहीं है। लेकिन सूरत के हालात भी अजय जी कमोबेश यही है कि वहां पर भी लोगों को ना ही इंजेक्शंस मिल रहे हैं, ना ही बेड मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, और ना ही वहां पर वेंटिलेटर मिल रहे हैं। कमोवेश पूरे गुजरात की स्थिति यही है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल का राज्य है। मॉडल की क्या स्थिति है? क्या वाकई यही गुजरात मॉडल था, जहां कालाबाजारी है, जहां मेडिकल कॉलेज दे दिया गया अडानी को, लेकिन वो वृद्धि नहीं कर पाए 350 से 1,000 बेड, और जो भी विकास हुआ है वो सरकार के ही फंड से हुआ है? देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो जैसे हम जैसे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, विकास कहीं पर भी दिखता नहीं है। आपको ये एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ हमें और आपको 1 गज जमीन भी अगर लेनी होगी तो हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अडानी को यहाँ पर 50 पैसे से 2 रुपए गज में हजारों हेक्टेयर जमीन दे दी गई है एसीजेड बनाने के नाम पर, और वह जमीन का अभी तक वह उपयोग भी नहीं हो रहा है। मतलब यही है कि यहाँ पर लूट तंत्र है, विकास के नाम पर अपने कुछ पूंजीपतियों का ही विकास होने वाला है। जैसे कश्मीर के हमारे मित्र ने बात की, कश्मीर में 370 और 35 डबले हटाई गई। मैं मेरे जिले की बात करूं तो यहाँ पर भी 2004 में 73 डबले कलम वही लगी हुई थी, तब भी ऐसी बातें कर ली गई थी कि यहाँ से जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जमीन और लोग आए खरीद पाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, लेकिन हकीकत में हुआ कुछ भी नहीं। वहां पर भी आज वही स्थिति है कि जो ट्राइबल कोली समाज के लोग हैं आज भी वो बेचारे दिन में लकड़ियां काटते हैं और रात को कुछ नहीं होता, दारू देसी दारू पी के सो जाते हैं। तो मतलब अगर विकास की बात करें तो हमें तो कहीं पर अच्छा विकास नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, रास्ते हर जगह यही बात होती है कि गुजरात के रास्ते बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मान्यवर मैं एक चीज बता दूं, मैं मेरे घर से अगर अहमदाबाद या गांधीनगर जाता हूँ मुझे 350 रुपए टोल देना पड़ता है। अगर मेरी प्राइवेट व्हीकल है तो कम लगेगा, लेकिन अगर मैं मेरी टैक्सी लेके जाता हूँ तो 350 रुपये 400 रुपये में मुझे टोल देना पड़ेगा, और रिटर्न में भी उतना टोल देना पड़ेगा। तो यह भी हकीकत है। अच्छा, टोल की भी आपको बात करूं, मैंने मेरे नजदीक में टोल है उसकी डिटेल निकाली थी, 27 साल से वो टोल चालू है, 940 करोड़ रुपए में वो बना था, हर साल 150 करोड़ रुपए उसमें आते हैं। मतलब अभी तक आप सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ ज्यादा आ चुके हैं, फिर भी वो टोल चालू है। तो
तो अच्छा मतलब चलिए, अगर तो विकास कोल की का बात यह करें बात तो तो है हम ही है, लेकिन कोरोना के इस संकट में एक मतलब जी, असल माफी पहलू चाहता क्या हूँ है वो ये है कि जी। मतलब राज्य सरकार की जो स्थिति है वह बाकी राज्य सरकारों जैसी ही है। गुजरात मॉडल नहीं सिर्फ एक बात है। भैया, दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर जो अधिकारी है ना वो भी मतलब किसी के कंट्रोल में है नहीं। जैसे मैं 3 दिन से यहाँ पर कलेक्टर जो हैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन में 3 बार उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांग रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना ही कलेक्टर समय दे रहे हैं, ना ही जिला जो RDC है वह समय दे रहे हैं, आरोग्य अधिकारी भी समय नहीं दे रहे हैं, DDO भी समय नहीं दे रहे। मतलब यही है कि उनको यही लगता है कि अगर पत्रकार मित्र आएंगे तो उनसे वो हमें कुछ ना कुछ हमारे मुंह से उनको मिलवा अच्छा लो। नहीं लगेगा ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो मतलब ये है, हमें भी यही मान लिया जाए कि वो वाइस राय बन के बैठे हुए हैं अभी, जो अंग्रेजों के जमाने में तो होते खैर, थे। वाइस राय तो हो ही जाएंगे जब हमारे मोदी जी ही इंटरव्यू नहीं देते हैं पत्रकारों को, तो उनके अधिकारी क्यों देने जाएं। लेकिन एक आखिरी बात ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर आप जिस जिले में है, कच्छ, आपने कहा सबसे बड़ी लोकसभा है भारत की, दूसरी की सबसे विस्तारित लोकसभा भी है, दूर दूर तक फैले हुए लोग हैं। आप ये बताइए कि अगर उन कम्युनिटी में फैल गया और ट्राइबल्स में फैल गया, उसके बाद क्या उन इलाकों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनको जीवित भी रखा जा सके 10 घंटे 20 घंटे? नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना के बराबर है, क्योंकि एक ही सिविल अस्पताल है, वह सिविल अस्पताल भी प्राइवेट ही समझी जा सकती है, वहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं। अगर और बात करें तो जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी कहीं पर भी कोई बेड नहीं है। भगवान ना करे आज की तारीख में अगर यहाँ पर तो 100-150 का ही फिगर मेरे जिले में आ रहा है, लेकिन अगर आज की डेट में 1,000 अगर पॉजिटिव मरीज मिल जाते हैं तो यहाँ पर लोगों को मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यह मुझे दिख रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। दत्तेश भावसर ने विस्तार से हमें बताया कि गुजरात के क्या हालात हैं। उदाहरण के तौर पर कच्छ जिले का मेडिकल कॉलेज है, जिसे 2008 में अडानी को सौंप दिया था मोदी जी ने वहां मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब तक उनको 350 को 1,000 बेड करना था जो आज तक नहीं कर पाए। और जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस अस्पताल में खड़ा हुआ है वह सरकार के ही पैसे से खड़ा हुआ है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जब निजीकरण होगा हर चीज का तो आपकी जिंदगी में कितना बहार आएगा। और रेमेडी सीविर का आपने कीमत सुन ही लिया कि 668 रुपए का रेमेडी सीविर 15,000 तक मिल रहा है। ऐसे में आप राम नाम लेंगे या जय श्री राम के नारे लगाएंगे, यह तय करना आप पर है। हम तो सिर्फ इसलिए आपसे यह बात कह रहे हैं क्योंकि यह समय है जब आप अपने तकलीफ को समझते हुए सरकारों को भी समझिए कि अगर सरकारों ने जुमलेबाजी नहीं की होती तो आपकी जिंदगी में यह दिन देखने नहीं पड़ते। धन्यवाद।